इस बाड़ को तोड़ के रो, क्या बात हो गई? इसको नहीं लगाएंगे। नहीं लगाओगे? अच्छा, ये टेम्परेली है। टेम्परेली। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने ब्लॉग में, और आप लोगों को बता दें कि ये एक रास्ता है छोटा सा, और इसको प्रॉपर तरीके से सेट किया जा रहा है। पहले इसको हटाएंगे पूरी, ये जितनी भी लकड़ियां दिख रही है इस साइड की, ये सारी की सारी हटाई जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिन की शुरुआत आज की मेरी हुई है। अभी जस्ट चाय पी है, ब्रश मंगाया है क्योंकि ब्रश मेरा मिस हो गया और छूट गया, तो ब्रश करूँगा और फिर उसके बाद मैं भी भाई साहब के साथ काम करूँगा। ये लकड़ी है, उसको हम इधर फेंकते हुए जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये लग गया जोर, गट्ठा बनाया अभी, ये थोड़ी देर में बहुत बड़ा गट्ठा बनने वाला है यहाँ पर। लकड़ी जहाँ नहीं मिलती होगी ना, हाँ वहाँ तो परेशानी है। देखो कितनी लकड़ी है। हाँ, तो ये एक दिन की लकड़ियाँ नहीं है, काफी दिन लगे होंगे इतनी लकड़ियाँ लाने में। दो बंदे। ठीक है जी, ठीक है। तो ये बाड़ भी तो हटानी है सब तक। हम यार बाड़ हटा देते हैं। तो फिलहाल ये देखो, ये हमारा जो घर है बिल्कुल पहाड़ों के बीचों में ही है। आगे चमकती है रात में। तो भाई साहब जो है उस वाले गांव में गए थे एक बार, और 8 बजे करीब इन्हें बाघ मिल गया, तो तब से भाई साहब की हवा निकली पड़ी है। भाई साहब रात को 8 बजे आ गया। रात के 8 बजे बाघ लग गया था इसलिए भाई साहब 8 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलते हैं जाकर काम करने कहीं भी। क्या बाघ भालू। हाँ बच्चों, स्कूल जा रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टू थ्री। जाओ जाओ। हमारे लिए अभी सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है, जो ताई तैयार कर रही है हमारी, घिया और आलू। और ये बच्चा जो है सुबह सुबह हमसे भी पहले उठ गया, तो वही आयुष मेरे लिए ब्रश ले आया है, अब मैं ब्रश कर लूँ। तो ब्रश जो है मैं छत पे जा कर के करूँगा, ताकि मेरी छत का भी पता चले कि यहाँ से आप लोगों को कैसा दिखाई देगा ऊपर का नज़ारा। ये बैक साइड है और ये साइड है, लेफ्ट साइड, और वो आगे मंदिर है जिसमें हम कई बार जाते हैं। और उसके बाद इस साइड देखो, ये यहाँ पे चल रहा है काम, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और ये हमारा फ्रंट है। देखो और इस साइड हमारा ये बाथरूम, ये देखो। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, और कई बार हम लोग आते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो बहुत जल्द हमारी फैमिली भी आएगी एक आध महीने के अंदर अंदर। वो देखो सामने, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मोर। ये देखो, दिख गए मोर, 3-4 मोर एक साथ हैं। गोटू आ गया, पक पक पक। तो भाई साहब थक गए क्या? नहीं अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है सुबह की। सुबह की शुरुआत है। लो, एक झटके में साफ हो गए, जो आते तो आधा घंटा तो इसी में लगा देते। हाँ तभी तो खोदेंगे, पहले दोनों से खुदवाना है। वो तो घोड़े वाला इधर लाके डालेगा माल, यहाँ पे बनाना है। बोल रखा है घोड़े वाले को, भाई घर स्कूल जा रहे ना, भाई घर इधर देख, भाई देखो लौंडा स्कूल जा रहा है, नमस्ते करके जाओ सबको। क्या लाए हो ये? क्या लाए हो? ये पत्ता। किस चीज का? प्याज। मौसम हमारे पूरा कर दिया है, साफ कर भैया। अच्छी है मौसम का मोड़ा है ये बिड़ा पे। कर भैजी नमस्कार। प्रणाम भैजी, प्रणाम। चलो
चलो पहचान जाओ, कोशिश करो पहचान पहचानना पड़ेगा। ये बैजी के भाई हैं। तो भैया आज हम चूल्हे की रोटी खाएंगे और ताई सुबह से काम पे लगी हुई है, सुबह 6 बजे से। ताई आप खुश तो हो ना, मैं आपकी वीडियो भी बना रहा हूँ। तो नाश्ता करूँगा यहीं पे बैठ के, अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे बैठ के खाने का। फिर उसके बाद मैंने भी काम करना है बाहर, अभी नपाई चल रही है कहाँ तक रास्ता बनाना है कहाँ तक रास्ता नहीं बनाना है। सो भाई अपना नाश्ता हो चुका है और अभी देखते हैं काम का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक गड्ढे हुए, कितने गड्ढे हुए हैं। ये एक गड्ढा यहाँ पे हो गया, ये अभी और नीचे होएगा ना, एक फुट हो गया ये। हाँ एक फुट तो लग ही रहा है। तो भाई हमारे लिए इनविटेशन आ गया है, कल से भागवत है तो हमारा जो वहाँ पे भजन और भोजन दोनों ही होने वाला है। तो भाई जरा हम गाय के पास चले अपनी गौशाला में, गाय वगैरह जो बाहर है उसको अंदर करना है, तो जो अपनी गाय बाहर है उनको अंदर बांध के आना है। तो जब मैं छोटा था आयुष के बराबर, तो मैं नीचे तक चला जाता था खेलने के लिए, घूमने फिरने मस्ती करने के लिए नीचे तक चले जाता था, नीचे जो जंगल सा नजर आ रहा है वहाँ। ये जो ग्रिल है ये गवर्नमेंट ने लगवाई है ना, यही है ना सन्नी अपनी। तो ये अपनी सन्नी पे आ गए हम, ये रहा इसका रास्ता। ये ओ डर गई डर गई डर गई, ओ बच्ची डर गई, ये छोटी बच्ची, ये थोड़ी सी बड़ी। तो देखो कैसे डर रही है, डर रही है, मत डर मत डर मत डर मत डर, ये मुझको देख के डर रही है क्योंकि मैं इन्हें अनजान नजर आ रहा हूँ एकदम। ये देखो बच्चा है इसका, ये बच्चा कब हुआ है? परसों। अच्छा ये परसों बच्चा पैदा हुआ है गाय का। ये देखो छोटा सा, वाह ये देखो ये बड़ी गाय, ये भी बड़ी गाय। हेलो, ये मुझे देख करके थोड़ी सी हैरान हो रही है, नया व्यक्ति कहाँ से आ गया आज अचानक ही। तो इसको अंदर कर देंगे अब, क्योंकि धूप होएगी तो धूप नहीं लगेगी, फिर अंदर रहेंगे। और सुबह सुबह अंदर बाहर निकाली थी तूने, तो सुबह बाहर निकालते हैं और उसके बाद 10 बजे करीब इसे दोबारा से अंदर कर देते हैं। चलो भाई चलो, देखो कैसे चल रही है पीछे पीछे, ये देखो कितनी छोटी सी है, ये देखो ये चल दी अंदर अपने आप। भाई बहुत डर रहे बहुत डर रहे, अरे भैया लग जाएगी लग जाएगी। भाई ये मेरे को देख के बहुत ज्यादा लफड़ा समझ रहा है भाई, ये देखो ओ देखो बाकी आयुष को भी अंदर ही ले, ये अरे वाह बांधो बांधो आराम से बांधो, घबरा रही है ना। तो ये कर दिया हमने यहाँ का दरवाजा बंद। तो भाई अब हम अपने गांव की तरफ आगे को चलते हुए जा रहे हैं। तो ये सब सन्नियाँ हैं ये जो साइड में नजर आ रही हैं, इसमें सबकी गाय नजर आएंगे, किसी की बकरी भेड़ भी होंगी। और ये टूट गई, कल से जो भागवत होगा वो यहाँ होगा जो टेंट लगा हुआ है, तो यहीं का इनविटेशन है, यहीं आना है हमें। ये पानी है, इसको कई बार हम लोग जब पहले हमारा घर इधर की साइड था इसको यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, तो इधर रहते थे पहले हम। ये है वो रास्ता, लास्ट में हुआ करता था हमारा घर, तो अभी भी अपना ही है ये जो बना हुआ है, पहले वैसा घर था झोपड़ी टाइप का, अब बदल गया है, अब सीधे लेंटर डाल दिया। ये अब हम छत पे आ गए हैं, ये लास्ट में यहाँ पे हुआ करती थी झोपड़ी टाइप के घर के, अब तो खैर सबके घर ऐसे ही नजर आएंगे यहाँ पे लेंटर वाले। ये देखो सब जगह लेंटर, ओके जा। तो और वो नीचे वो वहाँ तक भी गया हूँ मैं, वो छतिन गांव है नीचे लास्ट में। ये किताब यहाँ पे पढ़ी हुई मिली है, पता नहीं किसकी है, श्री सुरबीन कुमार महेश कुमार,
इसको आयुष को दे देता हूँ। SBI की बुक है ये, तो स्टेट बैंक की बुक यहाँ की ऐसी होती है, देखो कितनी छोटी सी है और कितनी अच्छी लग रही है। मंकी देख लो भाई, मंकी हमें देख के भाग रहा है, वो भाग गया देख। मंकी होगा राज और का अभी फिलहाल। वही मंकी मंकी है, लोग नहीं होंगे तो मंकी नजर आएंगे। भाई हमारे पीछे भी गाय और आगे भी गाय, ये जा रही है घास खाने के लिए। घर चल गयो यार, आज रेता आई कम डाल दो। आधे आधे हैं, आधे आधे हैं, बांध रखे हो बांध रखे। तो भाई इस वाले लौंडे ने सारे गड्ढे करे हैं, बहुत मेहनती लौंडा। तो भाई भाई साहब को जो है गर्मी लगने लगी थी, तो धूप से बचने के लिए भाई साहब ने पहन लिया नीली टोपी। टोपी ये बहुत लोगों को टोपी बना चुके हैं। बबीता नमस्ते नमस्ते, पैसे ठीक है ठीक। तो ये बबीता भी आ गई है। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हर सबको सलमंग है। फर्स्ट क्लास भाई, नव निर्माण कार्य चल रहे। भाई खच्चर भेज दिए लोड करके यहाँ से, जो कल हम लेकर के आए थे, अब ये खच्चर लेके जा रहे हैं नीचे। चुभ ना जाए बस। तो भाई हम खाली हाथ जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना खुद ही कुछ ले चले साथ में अपने हाथों पे। तो आयुष अपने कंधे में ले जा रहा है, मैं भी अपने कंधे पे ले। वो जो पत्थर अलग करे ना उसमें, वो ऐसे ही रखने थे इसमें। हाँ तो भाई यहाँ जो है कोई भी काम करना या करवाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ख़ास तौर से तब जब आपका दिमाग ना लगे और दूसरा अपना दिमाग लगा दे। तो यही हुआ है अभी, बट जो भी है चलो काम तो करना ही है और करवाना है तो वही करवा रहे हैं। हमारी चौकट पे आ गई है गाय हमारी, आयुष ले आया है, लेके जा रहे हैं हैं, तो इन्हें चराने के लिए लेके जा रहा है इन्हें, ताकि घास खाए बाहर जाकर के ताजी ताजी। तो फिलहाल इन्हें रोटी खिला रही हैं ताई, ले लो। भाई अंकल को लग गई है प्यास, तो भाई साहब को हम दे दें पानी, ले लो कर दो धड़ पैड़ पानी का। यहाँ पे जहाँ ताई खड़ी है बस ऐसे बंद हो जाएगा ये, और एक जो बंदे के आने जाने के लिए हो जाएगा बस। हाँ बस, और बाकी इसका वो यूँ कह रहा है कि जो वो ग्राइंडर से इसको ऐसे यूँ फाड़ देगा ना एक को, तो फिर उसका वो वहाँ पे दरवाजा बना देगा जाली से ये का। हाँ भाई ताई ने हमारे लिए फिर से काम बढ़ा दिया, हमने इसे तोड़ा था, ताई ने फिर लगा दिया, ये बताओ। तब वेल मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। है ताई क्यों लगा दिए दोबारा? काम बढ़ाना को ना ताई ने फोर बजे मेला ज्यादा खाना। अब ये देखो सुबह मैंने हटवाया, ताई ने फिर लगा दिए। तो अभी भाई साहब लोगों का टी टाइम चल रहा है, और ये चाय खुद तो पी रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे। आप भी पियो। मैं दूसरी चाय पीता हूँ। अंकल जो है लट्टू से नापे जा रहे हैं, लट्टू बोलते हैं अंकल हम इसे, साहल नहीं हमारे लिए लट्टू है। हाँ ये लट्टू। मिस्त्री साहब क्या बात है, काम बहुत ढीला ढीला चल रहा है। हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है मेरे को, बताओ। अभी एक पिल्लर लगा ही है, दो पिल्लर लगे हैं, तीन पिल्लर लगे हैं, चार और एक पाँच, पूरा दिन निकाल दिया आपने मिस्त्री साहब। क्या ढीले ढीले हो के काम कर रहे हो आप, हैं? क्या करें भाई, माल आ रहा है दूर से, दूर से माल आ रहा है। अच्छा
ये लौंडे ढीले हैं लौंडे भी ढीले तो भाई जो लौंडे साथ में आए हैं कह रहे हो लौंडे ढीले मिस्त्री को पूरा सपोर्ट करना पड़ रहा है भाई फिर पानी दो अभी सीमेंट दो क्योंकि मिस्त्री को लौंडे ढीले लग रहे हैं तो मिस्त्री हमसे ही काम करवा रहा है चलो इनका कुत्ता शेर जैसा दिखता शू बब्बर शेर जैसा दिखता है चेहरा भोटिया कुत्ता भोटिया तो दोस्तों ये देखो ये हमारे पहाड़ी कुत्ते एक बार आवाज में रुक जाते हैं और हट्टे खट्टे होते हैं बिल्कुल शेर की माफिक ये देखो मुंह देखो इसका एकदम खतरनाक तो काम सारा अपना कंप्लीट हो गया अब हम खाना खा रहे हैं ये रखा खाना हमारा सो फ्रेंड्स जो कलश यात्रा है आज तो भागवत का पहला दिन समझ लें आप इसे तो कल से भागवत स्टार्ट हो जाएगी और आज कलश यात्रा है तो अभी यहीं से आएगी कलश यात्रा और मैं छोटी सी क्लिप उसकी भी ले लूँगा आज के दिन की जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ख़ासतौर से भगवान के कुछ भी कार्यक्रम हो और उसका ब्लॉग मेरे पास आ जाए तो बहुत ही धन्य समझता हूँ मैं अपने आप को देखना अभी यहीं से आएंगे वो लोग तो एक छोटी सी क्लिप भाई जी प्रणाम ठीक है बच्चा हाँ जी सब ठीक ना ना पापा है बस भाई जी प्रणाम हाँ जी प्रणाम हाँ जी तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं करूंगा आज एंड होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आ गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना यही बार बार कहता हूँ फिर भी बहुत कम लोग लाइक करते हो बट जो भी करते हो बहुत है यार धीरे धीरे करके सब लोग लाइक करेंगे एक समय ऐसा आएगा तो मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय